सभी लोग सुन लो कान खोल कर इस बात को, एक बहुत बड़ा नासूर है, खतरे का सिंबल हो सकता है। मेरी कलम कानूनी कलम लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है, किसी भी इंसान को उदास होने की जरूरत नहीं है। और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे, तो ये चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। रही बात विजय की, ये देखे जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम हैदर और सीमा हैदर केस के सिलसिले से, जो कि मोमिन मलिक साहब की एक लाइव वीडियो आई है जिसमें गुलाम हैदर के वीजे के हवाले से और सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत सी अपडेट दी है। वो सब क्या बातें हैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने कौन सी नई कानूनी अपडेट दी है और क्या क्या बातें कही। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं जी, आप सभी लोग सुन लो कान खोल कर इस बात को, जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि सीमा हैदर हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे भारत की माँ बहनों के लिए जी, हमारे भारत की जनता के लिए, और ना केवल हमारे भारत की जनता के लिए बल्कि हमारे भारत की सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नासूर है जी, जिसका जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल, वरना ये नासूर फैलता जाएगा और ये अपनी चपेट में हमारे भारत की एकता, हमारे भारत की अखंडता, हमारे भारत के भाईचारे को और हमारे भारत की प्रभुसत्ता को भी ये खतरे का सिंबल हो सकता है। ये बात मैं आज भी चिल्ला के कह रहा हूँ आपके बीच, पूरे भारत की जनता को मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत देश को ये बात कह रहा हूँ, भारत की बहनों को, बेटियों को, माओं को, बच्चों को, नौजवानों को, पूरे भारत की जनता को, मैं पूरे भारत के देश को मैं ये बात बता रहा हूँ। और एक लीगल जिम्मेदार होने के नाते जो मुझे इस केस में उसके पति की तरफ से वकील अपॉइंट किया है, मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुआ हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही यूट्यूब पे आऊँ, हर वक्त ही मीडिया की सुर्खी बनूँ, हर वक्त ही न्यूज चैनलों को बुला करके उनको नई नई खबरें दूँ, अखबार वालों को बुला के नई नई खबरें दूँ, टीवी चैनल्स को बुला करके नई खबरें दूँ, या इस चैनल के माध्यम से रोज रोज जो है वो मैं आपको खबरें दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कलम, मेरी कानूनी कलम चल रही है और इस कानूनी कलम के अंदर बड़ी ताकत है। बिल्कुल दोस्तों, वो ताकत शायद बंदूक की गोली में ना हो, वो ताकत शायद किसी मिसाइल की में ना हो, जो ताकत इस कानूनी कलम में होती है। मेरी कलम, कानूनी कलम लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है, किसी भी इंसान को उदास होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, हर काम शांतिप्रिय तरीके से, जोरदार तरीके से हमने कानून की के जरिए से, कानून के माध्यम से कोर्ट द्वारा कर रखा है और वो चल रहा है। और मैं भारत की जनता को और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जंग, ये इंसानियत की जंग, ये एक कानून की लड़ाई आप सब लोग जीतोगे और इसका श्रेय आप सबको जाएगा, एक दिन वो आएगा, आप सब जीतोगे और जो आप चाहते हैं वो होके रहेगा। ये जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिलवाएंगे हम, और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे, तो ये जो कानूनी कलम है ना, ये कानूनी कलम और कानून जो भारत का है और जो स्थिति है, जो हमने केस डाल रखे हैं, जो हमने ऑर्डर्स ले रखे हैं, ये कानून थाली में रख के बच्चे देने का जो आपने कहा है वो एक माध्यम, बेइज्जती वाला माध्यम, थाली में रखो जी बच्चों को, नहीं, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जायज तरीके से कानून की पालना करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के द्वारा, कानून के लोगों द्वारा, कानून के अधिकारियों द्वारा, कानून के द्वारा ही इज्जत के साथ उन बच्चों को, दुनिया ताली बजाएगी खड़ी होकर के उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपेंगे, ये मेरा वादा है आप सभी। रही बात इसकी सीमा हैदर की,
तो दोस्तों हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, की है, जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी वादा किया है, आज भी कर रहे हैं। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, इसका भाई खड़ा हो और कुछ लोग खड़े हो, जो मर्जी इसके साथ खड़ा हो, हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे हर कीमत पर। बिल्कुल, हर सूरत पर जेल इसको पुछवा के रहेंगे। हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। और रही बात विजय की, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 जून को हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार को वीजा के लिए लिखा था भारत सरकार को कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में है उनको डायरेक्शन दी जाए कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। ये आप देखेंगे 2 जून 2024 को 8:04 पर मैंने ये आप किसी भी रूप में देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूं और इसकी जरूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर GPA पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूं, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में जरूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूं। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04 पर ये दिल्ली की सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उनको लिखा था। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मेरे लेटर पैड पे गया हुआ है, ये कुछ इसमें इसका पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उस पर मैं उंगली लगा लूंगा, बाकी चीज आप देख लेंगे कि ये देखे देख सकते हो। जी बिल्कुल, 15 जून को मैंने उनको रिमाइंडर किया है कि इसको मुझे भारत में जरूरत है। 15 जून के बाद उनको मैंने 28 जून को सेकंड रिमाइंडर किया है, 28 जून को सेकंड रिमाइंडर है जी। तो जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीजा के हवाले से, वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको गुलाम हैदर की गवाही की जरूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है। और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीजा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक जो मुंह बोले भैया, उसने जो मर्जी कर दिया हो, वो कहता है हमने FIR करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया, वो जो कहे कहने दीजिए। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो एलिगेशंस तो वो एक दूसरे पे वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये फैसला करना अथॉरिटी का काम है कि किसकी मांग जेन्युइन है और किसको क्या चाहिए, इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा। और कोर्ट सबको अनुमति देता है कि अपनी बात वो कोर्ट में रख सके, कानून के दायरे में रख सके। हमारी जो भारत की सरकार है, उसने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, हमारी भारत की सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइन कॉज है, किसी व्यक्ति का जायज काम है और उसने भारत सरकार से वीजा की मांग करी है, तो हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो BJP की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, हमारे भारत की सरकार ने, हमारे भारत के ऑफिसरों ने कभी भी जायज मांग को नहीं ठुकराया है। कितने मेरी रिकमेंडेशन पर कितने सारे पाकिस्तानी भारत में आ गए हैं, आकर के अपना कानूनी काम करके वो वापस जा चुके हैं। वो सारे मैंने ही बुलाए, अपने रिकमेंडेशन पर बुलाए, कोर्ट में उनकी गवाही हुई, उन्होंने केस लड़े, वो जीते, वो चले गए, उनको जो पैसा मिलना था उनको मिल गया। बहुत से लोगों के अभी भी पेंडिंग है, वो भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कोई गुलाम हैदर का कोई नया मामला नहीं है, अब से पहले मेरी रिकमेंडेशन पर बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में आ चुके हैं, मेरे पास रहे हैं और वो अपना कानूनी गवाही दे करके, कानूनी काम करके वो चले गए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, 10 दिन फालतू लग गए, महीना फालतू लग गया, वो एक अलग चीज है, प्रोसेस का टाइम है। तो हमारे भारत की सरकार मुंह बोले भैया या उसका कोई भी कुछ भी लिखता रहे, कहता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों गुलाम हैदर 101% भारत में आएगा
ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत से लोग कह रहे हैं जी वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की सरकार ने जायज मांग को कभी भी नहीं रोका है और ना कभी रोकेंगे, ऐसा हमारा भारत की सरकार पर भरोसा है, भारत के अधिकारियों पर भरोसा है, भारत की डिप्लोमेसी पर भरोसा है। गुलाम हैदर भारत में आएगा, कोर्ट में पेश होगा, बच्चे लेगा और उसको बच्चे मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेगा भी, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाएगी और ये काम होगा ही होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। अब कई लोग कहते हैं जी आप तो उसमें कह रहे थे, अगस्त के महीने में कह रहे थे, सितंबर में कह रहे थे, फिर अक्टूबर आ गया जी। तो आपने देखा मैंने 2 जून को लिखा, 15 जून को लिखा, 28 जून को लिखा, तो अब तो ये भारत सरकार का काम है ना। मेरा काम जो जो फॉर्मेलिटीज उन्होंने बताई, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने भारत सरकार को भेजे हैं। अब इस बात की जो वीजा क्लियरेंस है वो तो भारत सरकार देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम दिल्ली से क्लियरेंस होगा, तब हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको वीजा देगा, तो ये क्लियरेंस तो दिल्ली से ही होगी ना। तो ये हम मांग दोबारा कल दोबारा फिर इसका रिमाइंडर भेजेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर गुलाम हैदर को किसी प्रकार का वीजा मिलने में दिक्कत होती है तो मोमिन मलिक खुद पाकिस्तान का वीजा लेकर के इस्लामाबाद जाएगा और जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी ऑफ इंडिया है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है जो इस्लामाबाद में है, वहां के अधिकारियों से मिलेगा, जो जो डॉक्यूमेंट उनको और चाहिएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर देगा और गुलाम हैदर का वीजा बाई हैंड लेकर के उसको अपने साथ भारत में लेके आएगा, ये मैंने आपको वादा किया, अगर उसको किसी अड़चन होती है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसी कोई अड़चन नहीं होगी। हमारे जो वहाँ के अंसार बरनी ट्रस्ट के जो हमारे वकील साहिबान हैं या अंसार बरनी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो दे दिए गए हैं, पहले से प्रोवाइड है, दिल्ली से क्लियरेंस की वेट है, जैसे दिल्ली से क्लियरेंस होती है तो क्लियरेंस मेरे पास आएगी और क्लियरेंस को मैं तुरंत जो है वहां से हाई कमीशन को भी एक कॉपी जाएगी, मुझे भी आएगी, उनको वीजा हो जाएगा और जैसे ही आज वीजा होता है तो अगले ही दिन हम उसकी वहां से डिपार्चर करा देंगे और वो भारत में आ जाएगा। तो दोस्तों आपने मोमिन मलिक साहब के इस पूरी लाइव वीडियो को देखा, इस वीडियो के हवाले से आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम।